Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मूल्यांकन कसोटी विषय हिंदी धोरण 7 सप्टेम्बर 2020 पेपर सॉल्यूशन जो है तो प्रश्न एक है कि शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। पहलू है कि 18 शब्द आप सरखा गोठवी और वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य लखवा है। तो पहलू है प्राणी कूत्ता है वफादार, तो जवाब आवशे कूत्ता वफादार प्राणी है। बीजू है गया पर एक दुकान व्यक्ति, तो यह जवाब आवशे एक व्यक्ति दुकान पर गया। तीजू है कि विकास में उत्कृष्ट उन्हें भारत के किया प्रदान, तो यह जवाब आवशे कि भारत के उत्कृष्ट विकास में उन्हें प्रदान किया। चौथू है कि स्वयं खुश मैंने होकर किया है मुक्त इसे, तो यह जवाब आवशे कि मैंने खुश होकर स्वयं इसे मुक्त किया है। पांचमू है कि बगीचे लड़के खेल में है रहे, तो लड़के बगीचे में खेल रहे है। तो आ रीते आडावली शब्दों ने योग्य क्रम में गोठवी अर्थपूर्ण वाक्य बनावानू छे। पछीनो प्रश्न बे छे कि दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ लड़का छे तो एनु थाशे लिंग परिवर्तन लड़की। तो पहलो प्रश्न है कि एक लड़का दुकान पर गया, नीचे लीटी दौरी है लड़का, तो यह लिंग परिवर्तन लड़की, तो वाक्य बन से एक लड़की दुकान पर गई। बीजू है सेठ हक्का बक्का रह गए, तो सेठ नु थे सेठानी, सेठानी हक्की बक्की रह गई, अथवा सेठनी हक्की बक्की रह गई। तीजू है घोड़ी दौड़ रही है, तो यह लिंग परिवर्तन था घोड़ी नु घोड़ा, तो घोड़ा दौड़ रहा है। चौथू धोबी कपड़े धो रहा है, धोबीन था धोबीन, धोबीन कपड़े धो रही है। पांचमू चाची बाजार जा रही है, चाची नु था लिंग परिवर्तन चाचा, तो चाचा बाजार जा रहा है। आम पहला में जवाब आवशे एक लड़की दुकान पर गई, बीजा में आवशे सेठानी हक्की बक्की रह गई, तीजा में आवशे घोड़ा दौड़ रहा है, चौथा में आवशे धोबीन कपड़े धो रही है, अने पांचमा में आवशे चाचा बाजार जा रहा है। पछीनो प्रश्न छे के दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू छे राम लक्ष्मण और सीता वन में गए, तो राम पछी अल्प विराम आवशे अने पछी गए पछी पूर्ण विराम। बीजू छे के वेदांत कलकत्ता चला गया है, तो प्रश्न चिन्ह। तीजू छे वाह कैसा मनोहर दृश्य, उद्गार चिन्ह। आप क्या बनना चाहते हैं, तो ने प्रश्न चिन्ह। अने पांचमू छे कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आवशे। आ रीते विराम चिन्ह लगाड़वाना छे। त्यार पछीनो प्रश्न 4 छे कि वाक्य शुद्ध रूप से लिखिए। पहलू छे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो जवाब आवशे आप कहाँ से आ रहे हो। बीजू छे लड़के खेल रहे हैं, तो जवाब आवशे लड़के खेल खेल रहे हैं। त्रीजू छे कुंजदीन सब्जियाँ बेचती है, तो सब्जी यानी जगह आवशे सब्जियाँ, तो कुंजदीन सब्जियाँ बेचती है। चौथो छे कि रिक्शा में 2 आदमी बैठे है, तो जवाब आवशे कि रिक्शा में 2 आदमी बैठे हुए है। पांचमू छे कि आप मेरी ओर आ जाइए, तो एमां जवाब आवशे आप मेरी ओर आ जाओ। तो आ रीते पहला में आप कहाँ से आ रहे हो, बीजा प्रश्न में लड़के खेल खेल रहे हैं, त्रीजा में कुंजदीन सब्जियाँ बेचती है, चौथा में रिक्शा में 2 आदमी बैठे हुए है, और पांचमा में आप मेरी ओर आ जाओ। पछीनो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा एटले गुजराती में अनुवाद करवानो छे। तो यहाँ फकरो एपो छे कि डॉ विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। तो आप गुजराती में अनुवाद करशू कि डॉक्टर विक्रम साराभाई पोतानु संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान विकास में समर्पित कर दीधु।
ભારતના વિકાસમાં સર્વશ્રેષ્ઠ યોગદાન આપવા બદલ તેઓને ઘણા રાષ્ટ્રીય તથા આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન મળેલા છે. તેઓ ફક્ત શ્રેષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક જ નહીં, પરંતુ પોતાની વ્યસ્તતામાંથી કલા, શિક્ષણ તેમજ સમાજ માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા. તો અહીં ધોરણ સાત હિન્દી વિષય પેપર સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. ગમે તો જરૂરથી લાઇક કરજો, જરૂરથી શેર કરજો અને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો.